भाई 15 लाख रुपए खाते में आए, कसू नहीं आए। मोदी ने बोला था 15 लाख, एक नहीं आए। 2000 खेती वाले आ जाते, एक नहीं आए। हाँ, खेतों का क्या रहा? कछु नहीं आए भैया, मरे जाते। भूखन प्यासन दवाई दूरी का उधार ले ले करवाए रहे भैया, क्या करे साईं भाई। सरकार सही रहेगी, हमें जा कहता अखिलेश की हो जाए, अखिलेश कुछ करेगा गरीबों। अब जाने क्या करें, अब हम तो फिर अच्छा उम्मीद होती सरकार पे। हाँ, कमल का फूल पानी में खिलने के लिए बना है, जमीन पे खिलने की कोशिश ना करें, जमीन पे सिर्फ साइकिल ही चलेगी। अखिलेश भैया सरकार क्यों नहीं, हमारा मन है, हमारा दिल है, सपा सरकार होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? अरे सांड ले ली है हमारी खेती सारी, खा गई, खेतों खा गए, खा गए। हाँ, अरे यार गाय को बचाना है, गाय को बचाना है। क्यों बचाना है? क्यों? किसान मर रहा है भूखो, 5 किलो दे दिया उससे गुजारा हो जाएगा महीने का? 5 किलो राशन मिल तो रहा है ना। हाँ, उससे गुजारा हो जाएगा। 2000 सम्मान निधि मिल रही है। अरे सम्मान निधि मिल रही, उतनी महंगाई बढ़ा दी। कहाँ महंगाई हो गई? क्या नहीं, 200 रुपए किलो तेल हो गया। सोचिए आप, क्यों नहीं हुआ? सरकार में सब बर्बाद कर दिया है, सांड गैयन ने सब खेती चट ली। कोई भी प्रत्याशी क्षेत्र में जाता है तो वो पिटता है, पब्लिक रेज रही उसको है, और समाजवादी पार्टी तो 400 के पार सीटें जाएगी उसकी। कोई लट्ठा कोई तार बिजली आती नहीं, खाए गए शक्कर पी गए तेल, ये देखो भाजपा का खेल। हाँ, क्या खेल तो आनी है, है? यही खेल है, मेटते गरीब गैया सड़ परपट कर दिया, 20-20 रुपए चक, न तार मिलता, न लोहा मिलता, न लट्ठा मिलता, न चौथी, सब महंगाई इतनी कर दी। हाँ, क्या महंगाई होगी, क्या महंगाई, कुछ ही महंगाई नहीं हुआ, बताओ कहाँ हुआ बाजार में, क्या महंगाई देहात में हुआ, आलू सड़ गया खेतों पे, और क्या महंगाई चाहते हैं किसान की? जी सर, क्या होने वाला चुनाव में आपकी भैया? अखिलेश सरकार बहुमत से आने वाली है, 300 के पास, 300 पे आएगी। सर भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी, ये सब मुद्दे देखते हुए जनता अखिलेश को वोट करेगी। साइकिल तो भ्रष्टाचार तो अखिलेश सरकार में भी हुआ है ना? अरे अखिलेश सरकार में सर भ्रष्टाचार नहीं हुआ, अखिलेश सरकार में काम हुआ, जमीन स्तर पे देखिए आप, हाईवे बना हुआ ये आगरा से लखनऊ तक का, और भी ऐसे 100 नंबर पुलिस जो चलाई अखिलेश सरकार ने। इस वक्त हम मौजूद हैं करहल विधानसभा में, करहल विधानसभा अखिलेश यादव की विधानसभा है, जहां से वो इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। ये मैनपुरी जिले के अंतर्गत आने वाली करहल वो विधानसभा है जहाँ से पहली बार चुनाव मैदान में अखिलेश यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं। ये बीच मार्केट में हम इस वक्त मौजूद हैं, लोगों की आवाजाही बनी हुई है, यहाँ कुछ लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। चाचा क्या है माहौल यहाँ? एक तरफ समाजवादी पार्टी का माहौल है, और यहाँ तो 99% लोग अखिलेश यादव के समर्थन में हैं, और अखिलेश यादव यहाँ तो प्रत्येक बच्चा बच्चा अपने आप को अखिलेश यादव समझता है। भरोसेमंद मलखान दवाखाना, हर बीमारी के इलाज के लिए संपर्क करें मलखान दवाखाना हकीम अनीस। जैसे कैंसर, एड्स, शुगर, नामर्दी, लाल पानी, सफ़ेद पानी, धात, दमा, पथरी, एलर्जी, जोड़ों का दर्द, गठिया बाएं सेहत बनाने के लिए, दाद, गैस, तेजाब, औलाद का न होना भी इलाज किया जाता है। एक दिन भी यहाँ ना आए अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, फिर भी यहाँ कम से कम 1.5 लाख से जीतेंगे। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जीत करहल से होगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी इस प्रदेश की सबसे ऐतिहासिक जीत होगी, जितनी आज तक किसी की नहीं हुई होगी। अच्छा कोई और है, क्या है माहौल? अखिलेश यादव, बीजेपी का है कुछ नहीं, कुछ नहीं है, सपाया है, सपाया बिल्कुल सपाया, यहाँ सपा का सपाया है। अरे सपाया तो पहले नंबर पे है। अच्छा, हाँ सपा पहले नंबर पर है। यहाँ तो बीजेपी वाले की जमानत बचना भी मुश्किल, नहीं बचेगी, मुश्किल नहीं बचेगी। अरे चाचा सपा तो, सपा के बारे में कहा गुंडा वहाँ से उपजे, ये सब भ्रामक होता है। सपा के शासन में यहाँ सभी लोग बिल्कुल राम राज जैसा था, कहीं किसी कोई परेशानी नहीं थी। राम राज्य तो बीजेपी बना रही है ना, बीजेपी ये झूठा प्रचार कर रही है, इनका तो प्रचार क्यों कर रही है, करके दिखा रही है। नहीं करके दिखा रही है, वो तो अरे बीजेपी की, बीजेपी तो राम राज्य स्थापित कर रही है। नहीं बीजेपी ने क्या राम राज्य स्थापित कर दिया, तमाम लोग चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे आपका किसान हो, लगातार इसमें परेशान है। इन्होंने वायदा किया था, एक भी वायदा पूरा नहीं किया। ये वोट मांगते हैं केवल भ्रामक,
और ये काठ की हाड़ी जो होती है वो एक बार ही चढ़ पाती है, दोबारा चढ़ेगी जल जाती है। तो इन्होंने जो झूठा प्रचार करते रहे वो प्रचार अब जनता समझ गई है। या तो निन्यानवे अंकित यादव, अंकित जी इतना जोश क्यों? अरे भैया के फैन हैं, भैया को ला रहे हैं, भैया को ला रहे हैं जी, सीएम कर रहे हैं भैया। चाचा तो नाराज हो रहे हैं, भैया आ रहे हैं कहाँ? चाचा कब नाराज हैं? चाचा भतीजे एक हैं, चाचा भतीजे एक हैं दोनों लोग। सत्रह में क्या हुआ? क्या सत्रह में क्या पीछे भूल जाइए, अब जब देखिए क्या हो रहा है। क्यों भूल जाए? अरे पीछे की बातें पीछे छोड़िए ना। क्यों नाराज है? भाभी नाराज हो जाते, कभी चाचा नाराज हो जाते, अरे कहीं कभी कोई नाराज। अब क्या, अब क्या है? कभी आप राम सिंह यादव कभी पीएम बनने की, अरे होता रहता है परिवार की आम बातें, आम बातें परिवार की। तो कल माननीय शिवपाल सिंह यादव की यहाँ मीटिंग थी और शिवपाल सिंह यादव ने कहा था, हालांकि उनके बगल में उनकी जसमनगर सीट है, तो उन्होंने कहा था मैं तो ये चाहता हूँ कि अखिलेश यादव की इस प्रदेश में सबसे बड़ी जीत हो और स्पष्ट रूप से सरकार बने, और उन्होंने सारा त्याग करके पहले नहीं चाहते थे 2017 में जब बिखराव हुआ, जब सत्ता की, जब सत्ता को दिखाने के लिए लोग अलग हुए कि हम अपनी सरकार बनाएंगे नहीं, उस समय भी कुछ भ्रामक आपस में भ्रांतियाँ थी, लेकिन जब आपस में एक दूसरे को पहचाने। भ्रांतियाँ किसने पैदा की पिछली बार? वो भाजपा वालों ने पैदा की, भाजपा वालों ने पैदा की। जी जी, अच्छा आपस में पहका लिया था शिवपाल चाचा को? नहीं पहका नहीं लिया था, इस तरह का इस बार भाभी जी को, भाभी जी को बहका लिया नहीं, भाभी जी को तो उन्होंने दे दिया। और ये तो वो परिवारवाद को ये हम पे जो आरोप लगाते हैं वो खुद पर आप मानते हैं परिवारवाद होता है? नहीं आरोप मान रहे हैं, आरोप लगाते हैं, नहीं नहीं आरोप लगाते हैं हम लोग, हमारे यहाँ कोई परिवारवाद है ही नहीं, यहाँ तो पूरा एक ही परिवार है। जितना करेल का हरेक आदमी बताए नहीं, बच्चा बच्चा अपने आप को अखिलेश यादव समझता है, यहाँ परिवारवाद नाम की कोई चीज नहीं। क्या बोल रहे हैं? एक पक्षी चुनाव है यहाँ, हाँ अखिलेश यादव के अलावा किसी का वोट नहीं है। अच्छा हाँ, क्या क्या मिला आपको सपा की सरकार में? कुछ मिला आपको सपा की सरकार में? कुछ ना मिला हो। कुछ मिला क्या? मिला हमें सब कुछ मिला है। क्या मिला सब कुछ बताइए। अरे ये कोई बात है कि हमें तो बात ही है, अरे तो बात ही है, कुछ मिले तब तो सरकार बनाए। अरे सरकार क्यों नहीं, हमारा मन है, हमारा दिल है, सपा सरकार होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? अरे सांड ले लीजिए, हमारी खेती सारी खा गई, खेतों खा गए, खा गए। हाँ अरे यार गाय को बचाना है, गाय को बचाना है। क्यों बचाना है? क्यों? किसान मर रहा है भूखो, 5 किलो दे दिया उससे गुजारा हो जाएगा महीने का? 5 किलो राशन मिलता रहा है ना? हाँ उससे गुजारा हो जाएगा। 2000 सम्मान निधि मिल रही है। अरे सम्मान निधि मिल रही, उतनी महंगाई बढ़ा दी। कहाँ महंगाई हो गई? क्या नहीं 200 रुपए किलो तेल हो गया। अच्छा सोचिए आप, देश हित में 90 रुपए क्यों नहीं हुआ? देश हित में थोड़ा महंगा हो गया, मजदूरी बढ़ी है, देश की मजदूरी कहाँ मजदूरी मिल रही है? अरे देश कोई काम ही नहीं, कोरोना की सारी मजदूरी बंद हो गई, कहाँ मजदूरी? देश को आगे ले जा रहे थोड़ी महंगाई, आगे कहाँ ले जा रहे हैं? आगे देश 100 साल पीछे हो गया, 200 साल पीछे। अरे आगे कहाँ हो गया है आप बताइए, आगे कहाँ गया है? दोगुनी हो गई किसानों, कहाँ पे, कहाँ पे हुई है? जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश के अलावा किसी का वोट नहीं है। स्पिलर थोड़ी लगा ये, स्पिलर थोड़ी लगा घर में। अखिलेश यादव से बातचीत हम कर रहे थे, क्या नाम है? सलमान। क्या होने वाला है इस बार? बनेगी सपा की सरकार, बढ़िया पूर्व मोहम्मद से बनेगी, वो माफिया आएंगे, वो माफियाओं की सरकार बताया जाता है। माफिया नहीं है वो, सही है बिल्कुल हमारे लिए, बढ़िया सरकार चलाएंगे और दोबारा सरकार फिर उनकी आएगी, बढ़िया सरकार चलेगी, बढ़िया सरकार चलेगी। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा है बताइए। बिल्कुल सही है, झूठ का पुलंदा बांधते हैं बीजेपी वाले, झूठ का पुलंदा बांधते हैं, सब झूठे हैं। छोटा नेता छोटा झूठ बोलता है, बड़ा नेता बड़ा झूठ बोलता है, सब झूठे हैं। अखिलेश पे भी लगता है विकास नहीं कर रहे, कोई विकास नहीं, उन्होंने एक्सप्रेस बनाया, अच्छा विकास किया, समाजवादी पेंशन दी उन्होंने, हर काम उन्होंने अच्छा किया, एक्सप्रेस बनवाया है, एक्सपीरियंस उन्हीं का बनाया गया है भाई। बीजेपी बोलते हमने रिबन काटा, उन्होंने कुछ नहीं, उन्हें पीता काटा, काम तो अखिलेश भैया का है, काम लेके अखिलेश भैया का है, पीता बिन्ने काटा। क्या नाम है?
सत्येंद्र सिंह नेताजी का गेटअप लिए हुए पूरा। जय 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 अखिलेश। अच्छा यहाँ सब लोग नेता हैं? नहीं नेता नहीं, हम कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता हैं? हाँ। क्या होगा? क्या होगा, 22 में बदलाव होगा, किसानों का इंकलाब होगा। किसानों का इंकलाब होगा जी। अच्छा, मैं माधोगढ़ विधानसभा से आया हूँ, अखिलेश भैया के प्रचार के लिए मैं माधोगढ़ विधानसभा से आया हूँ। अच्छा, इतनी नाराजगी क्यों दिखाते हैं? बीजेपी ने तो बहुत अच्छा विकास कराया है। बीजेपी ने झूठ के अलावा कुछ नहीं किया। क्या झूठ बोला है बताइए? क्या आप ये बताओ, आप पांच अच्छे काम बता दें बीजेपी। पांच अच्छे काम बताइए सपा के। आप एक्सप्रेस वे बनवाया और जो सारे युवा दिखा रहे हैं, ये सब बेरोजगार लोग हैं जी। पाँच सरकार महीना 5 किलो मिल रहा, आदमी मरी हो 9-7-10 साल है वही है। अब 5 किलो मिल रहा हो, कभी 35 किलो दे देखो, 5 ही किलो देते हैं, कहा खाए लड़का खेच खेच के 2000 रुपए मिलता रहे ना। कछु नहीं, 5 लाख आए तो खाते में। हाँ आता है, थोड़े आता। आपके आए तई 15 लाख रुपए खाते में आए? कछु नहीं आए। मोदी ने बोला था 15 लाख एक नहीं आए, 2000 खेती वाले आ जाते, एक नहीं आए। हाँ खेतों का क्या रहा? कछु नहीं आए भैया, मरे जाते भूखन प्यासन, दवाई दूरी का उधार ले करवाए रहे भैया, क्या करे साईं भाई। की सरकार सही रहेगी? हमें जब कहते अखिलेश की हो जाए, अखिलेश कुछ करेगा गरीबों के लिए? अब जाने क्या करें, अब हम तो फिर रहे। अच्छा, उम्मीदों पे सरकार का है? उम्मीदों पे उम्मीद जब कहा था कमल अखिलेश को दे दिए, और क्या करें। और दे दे तो मजबूरी, अखिलेश को वोट देने की भी मजबूरी है? हाँ, दीवे को दे दिए। अच्छा हाँ दे दिए जी। मोदी सरकार में सब बर्बाद कर दिया है, साण गई ने सब खेती चट ली, अखिलेश की सरकार वही लट्ठा वही तार, बिजली आती नहीं, खाए गए शक्कर पी गए तेल। ये देखो भाजपा का खेल। हाँ क्या खेल तो आनी है, है? भाजपा का खेल, खेल है, मेट दे गरीब गैया सड़ परपट कर दिया, 20-20 रुपए चक न तार मिलता, लोहा मिलता, लट्ठा मिलता, माँ चौथी सब महंगाई इतनी कर दी। हाँ क्या महंगाई हो गई? क्या महंगाई, कुछ ही महंगाई नहीं हुआ, बताओ कहाँ हुआ बाजार में? क्या महंगाई देहात में हुआ? आलू सड़ गया खेतों पे, और क्या महंगाई चाहते हो किसान की? और क्या चाहते हो? जिंदाबाद अखिलेश यादव। कह रहे वो किसान यादव, किसान बना खसी का तय गई की सरकार है इन्होंने। अरे ये देश का प्रधानमंत्री ये कहता है कि हमने राष्ट्रहित में कानून वापस लिए, तो हम ये पूछना चाहते हैं इस देश के प्रधानमंत्री से, क्या उन्होंने राष्ट्र के द्रोह में ये कानून लाए थे? जो 700-800 किसान मारा गया, इसका हत्यारा कौन है? पहले पूरे देश से माफी मांगे, उसके बाद वोट मांगने का प्रयास कर। वो किसान नहीं थे, ऐसा बोला गया सरकार के द्वारा? नहीं, सरकार तो झूठा ही बोलती है, सरकार केवल खुद को अपना किसान मानती है। और जहाँ तक गुंडागर्दी कहते हैं, अखिलेश यादव पर एक भी केस नहीं है, और माननीय योगी आदित्यनाथ पर 40-50 केस है, और खुद मुख्यमंत्री अपने केस वापस कर लेता है। आजम खान जेल में बंद है। अरे इस पे नहीं है क्या? अरे इस देश का गृह मंत्री का लड़का दिन दहाड़े किसानों पे अपनी गाड़ी चला देता है, तमाम लोग मारे जाते हैं, और फिर भी उसको गृह मंत्री पद से नहीं हटाया जाता। और जब जो आदमी गृह मंत्री होगा उसके लड़के के खिलाफ पुलिस क्या रिपोर्ट देगी, आप ही बताएं। क्या रिपोर्ट आई? नहीं रिपोर्ट ने, वो मुख्य आरोपी था, और उसको फिर जो है कोर्ट पे दबाव डाल के सरकार ने उसको जमानत दिलवा दी। तो ये सरकार तो पूरी एक तरफा है, केवल केवल कुछ लोग, पूरे देश में मुश्किल से 10% लोगों के लिए काम कर रही है, पूरा देश बेच दिया। 10% कौन है? 10% अंबानी है, अडानी है, नीरव मोदी है, जो रुपया ले लेके भाग गई सरकार ने इस देश से तमाम। तो कह रहे गरीबों की सरकार है बीजेपी तो? अरे गरीबों की सरकार, गरीबों का खून चूस रही बीजेपी। कहाँ चूस लिया? 9000 करोड़ रुपया लेके भाग गया नीरव मोदी, और वो माल्या लेके भागा, इन्होंने आराम से भगा दिया यहाँ से, पूरा देश लूट लिया। इस देश में रेल विभाग पूरे दुनिया में सबसे मजबूत भारत का है, लेकिन बेच दिया। यहाँ के हवाई अड्डे बेच दिए, यहाँ के बिजली घर बेच दिए, और आपके बस अड्डा, पूरा देश बेचने पर तुला हुआ है इस देश का प्रधानमंत्री। इससे बचाने के लिए अब पूरी जनता एकजुट है जी। चचा साइकिल 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 चलेगी? सागे चले बजी के, सागे चले, और गैया रखा रखा है, मरे जा सारी रात गैया रखा, सारी रात गैया रखा। भैया जी हाँ, साइकिल जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ बोलिए। जवान बहुत दुखी हैं, क्या सरकार ने मेट दाई, सब मेच दोने मेच दाई, यानी गैया खाए गई। हाँ और सब खेती खा ले गई ने, टूटी गई सब। क्या किसानों की आय दोगुनी हो गई है? किसानों की आय दोगुनी हो गई है? हमने कहा सब खेत खाए लाए। हाँ सब खेती खाए लाई, सब गाय को भी तो बचाना है ना। गैया हम का तो कट जाऊंगी सब, तो खाओ
हैं जो है माने हमारा सब खेत खाए लो बचिया ने जो है हमारा खेत खाए लो। अच्छा रोज गई मरती सड़क पे रोज गई सड़क मरती बचाई ना और भूख मरती वो में सरकार आती तब खेती ली थी। ये बताइए कहाँ जा रहा है साइकिल पंचर होगी साइकिल तो बजे है पंचर कमाने साइकिल कमाने बजे कहाँ जाता है साइकिल बिल्डोजर के नीचे जाएगी देखो बिल्डोजर के नीचे जाएगी कहाँ बिल्डोजर चलेगा को कहा बिल्डोजर कहा साइकिल उड़ेगी ऊपर समझ रहे साइकिल कमल का फूल है जमीन के नीचे चला जाएगा कहाँ चला जाएगा जमीन के नीचे पता नहीं चलेगा कहाँ गया कमल का फूल। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रत्याशी क्षेत्र में जाता है तो वो पिटता है पब्लिक रेज रही उसको हैं और समाजवादी पार्टी तो 400 के पार सीटें जाएंगी उसकी 400 पार बिल्कुल जाएगी 100% जाएगी और 403 तो टोटल 403 है तो 403 समाजवादी पार्टी की होगी। भाजपा वाले तो प्रत्याशी नहीं पिट रहे बताइए भाजपा हर जगह पिट रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्र में प्रत्याशी जा रहा है तो पुलिस प्रशासन की दम पे जा रहा है खाली हाथ जा रहा है बताइए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी का अपमान हो रहा है हर जगह अपमान हो रहा है। कमल का फूल पानी में खिलने के लिए बना है जमीन पे ना खिले कमल का फूल पानी में खिलने के लिए बना है जमीन पे खिलने की कोशिश ना करे जमीन पे सिर्फ साइकिल ही चलेगी। अखिलेश भैया बनी आपकी वोट नहीं बनी लेकिन हमारे घर वालों की तो बनी है वो तो वोट देंगे हमारे क्षेत्र में सभी लोगों की बनी उसके परिवार के ही है। देखिए समाजवादी पार्टी का परिवार जो है ये सब समाजवादी पार्टी का परिवार है अगर बच्चे का वोट नहीं बना परिवार में सभी लोगों का वोट बना। अच्छा सेफई में तो बहुत सी चीजें अस्पताल है स्कूल है कॉलेज है लेकिन करहल में तो कुछ नहीं है। क्या नहीं है करहल क्या नहीं करेल अरे विकास नहीं है क्या कौन कहता है विकास नहीं करेल। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया भाजपा वालों ने क्या किया गड्ढे भी मुक्त नहीं करा पाए गड्ढे भी मुक्त नहीं भाजपा करा पाई। अच्छा किसकी सरकार बनेगी समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी बेजोड़ बनेगी बेजोड़ बनेगी भाई। चलिए इस वक्त हम करहल में मौजूद हैं लोगों से बातचीत कर रहे थे जानने की कोशिश कर रहे थे कि सरकार किसकी बनने वाली है ये पब्लिक है मेन मार्केट में सब मौजूद हैं लोगों से जान रहे हैं कि करहल विधानसभा में क्या होने वाला है करहल की जनता क्या देखने वाली है इनसे बातचीत कर रहे हैं लगातार। जी जी सर क्या होने वाला चुनाव में अब की भैया अगले सरकार बहुमत से आने वाली है 300 के पार 300 पे आएगी। सर भ्रष्टाचारी बेरोजगारी ये सब मुद्दे देखते हुए जनता अखिलेश को वोट करेगी साइकिल। तो भ्रष्टाचार तो अखिलेश सरकार में भी हुआ है ना। अरे अखिलेश सरकार में सर भ्रष्टाचार नहीं हुआ अखिलेश सरकार में काम हुआ जमीन इस तरह पे देखिए आप हाईवे बना हुआ ये आगरा से लखनऊ तक का और भी ऐसे 100 नंबर पुलिस जो चलाई अखिलेश सरकार ने और भी पेंशन योजना करी किसान के लिए और भी ऐसी योजनाएं हैं जो अखिलेश सरकार ने करी। बीजेपी ने क्या दिया बीजेपी ने केवल कागजों पे केवल सिग्नेचर करके बस छोड़ दिया काम जमीन स्तर पर नहीं हुआ कागजों पर हुआ है। क्या कितने पहुंच गया तेल कितने तेल तेल सर 200 रुपए किलो बिक रहा है हम बेच रहे खुद 200 रुपए किलो बताइए कितना महंगाई पहले आज से 5 साल पहले कहाँ 80-90 रुपए किलो बिकता था सिलेंडर 450 वाला पूरा 1000 रुपए का आ रहा है ये सब महंगाई की देखते हुए महंगा हो जाए क्या दिक्कत है देश आगे तरक्की तो करेगा। अरे तो सर देश है तो तरक्की कैसे करेगा तरक्की महंगाई महंगा ले लेके कैसे तरक्की करेगा गरीब इंसान भूखा थोड़ी नहीं मरेगा गरीब इंसान है ये बेचारे सब गरीब इंसान। हम लोगों को एक एक टिकट है ना एयरपोर्ट की मिल रही है हम लोगों एक ओनर बना दिया हम लोगों को जो एयरपोर्ट पीछे है ना उसके मालिक हम ही तो है ना अंबानी साहब से बात हुई ना हम लोगों की। चलिए करहल विधानसभा में मौजूद हैं जनता से बातचीत कर रहे थे इनका कहना है कि इस बार ये बीजेपी से खासे नाराज हैं और खफा हैं सत्ता परिवर्तन देखना चाहते हैं इस बार करहल विधानसभा में मौजूद हैं यहाँ से अखिलेश यादव जी खुद विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं जनता खुद तय करेगी कि तीसरे चरण में इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ पर सेफ है यहाँ से 5-4 किलोमीटर दूर है वो उसका पैतृक गांव है जहाँ से उसकी राजनीतिक शुरुआत हुई करहल विधानसभा में क्या होगा और पूरी पश्चिम उत्तर प्रदेश के बाद अब तीसरे चरण में 20 तारीख को मतदान होगा क्या कुछ होने वाला है क्या सत्ता परिवर्तन होगा या फिर से बीजेपी सरकार बनेगी ये वक्त तय करेगा तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ।